इसी बीच अपराधियों ने लगता है अपनी कमर कस ली है कि मैं अपराध करूंगा, तुम घंटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 4 साल की मासूम लड़की के साथ रेप किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मारिया रेड एक्स यूट्यूब चैनल में मारिया। कि जनाब जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन काल में प्रशासन अपराध खत्म करने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है, हर मुमकिन से मुमकिन कोशिशें कर रहा है, उसी बीच अपराधियों ने लगता है अपनी कमर कस ली है कि मैं अपराध करूंगा, तुम घंटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाल ही की घटना मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में केवल 4 साल की मासूम लड़की के साथ रेप किया गया। कि जनाब पूरी घटना पे जरा जोर डालिएगा कि जनाब कहीं आप भी ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, तो पूरी घटना आखिरी तक जरूर देखिएगा। कि जनाब अक्सर माता पिता जब कभी बाजार जाते हैं कि छोटे बच्चों के साथ नहीं ले जाते, क्योंकि छोटे बच्चे बाजार में मार्केटिंग करने में परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही 4 साल की बच्ची इस दरिंदगी का शिकार हुई। माँ घरेलू सामान लेने के लिए बाहर गई थी, 4 साल की बच्ची अपने घर में अकेले थी। पड़ोसी का युवक आया, उसको जामुन के बहाने, मामूली सी जामुन के बहाने वो 4 साल की बच्ची, उसको दया नहीं आई, उसको अपने घर लेके गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मैं आपसे कहती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, लोगों को अपनी ब्रीथ यानी अपनी सांसों पर भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए, तो आप गैरों पे कैसे भरोसा कर लेते हैं। कि जनाब अपने छोटे छोटे बच्चों की आप खुद ही सुरक्षा करें, कि जरा सी परेशानी ना उठाने के चक्कर में वो माँ अपनी बच्ची को घर में छोड़ के चली गई। छोटी सी बच्ची को क्या मालूम था मेरे साथ क्या हरकत होने वाली है। वो छोटी सी जामुन के लिए अपने मोहल्ले के जिसको वो जानती थी पहचानती थी उसके साथ चली गई। जनाब ऐसे ही आम दिनों में आम घर के लोगों में कि लोग जब भी बाजार जाते हैं माता पिता तो सोचते कि अपने बच्चों को ना ले जाएं, उनको परेशानी होती है मार्केटिंग करने में, वो नहीं जानते कितनी बड़ी बड़ी घटना उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ हो सकती है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही यहीं से कर जाते हैं। कि जनाब वो चाहे आपका रिश्तेदार हो, वो आपका पड़ोसी हो, आपका खानदान वाला हो, कोई भी हो, अपने बच्चों की सुरक्षा में जरा सी भी चूक नहीं करिएगा। कि जनाब वो छोटी सी नन्ही सी जान जिसकी माँ उसको घर पर छोड़ के गई थी मार्केटिंग करने, घर का घरेलू सामान लेने, जब वो वापस आई माँ तो उसको अपनी लड़की नहीं मिली, ठीक है। जब उसने अपनी लड़की की तलाश की, जब उसकी लड़की उसको जिस हालत में मिली वो दंग रह गई। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो बेटी ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर कि जनाब वो 4 साल की पीड़िता जब उसने अपनी माँ से अपना दर्द बयां किया तो माँ से नहीं रह गया, परिवार वाले व उसकी माँ वो पीड़िता को लेकर थाने गए। थाने में संगीन धाराओं में आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी उसी वक्त फरार हो गया। आरोपी की तलाश जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अगर इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो मैं तुरंत वीडियो बना के डालूंगी। केवल 4 साल की छोटी सी जान को FIR कराने के बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल, फतेहपुर जिले के सदर अस्पताल में रेफर किया गया। अब सोचिए उस छोटी सी बच्ची में क्या गुजरी होगी। तो अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथों में है। कि जनाब ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू होने के लिए हमारे सहयोगी चैनल न्यूज वाणी को, जो आपके बगल में आइकन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, न्यूज वाणी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, भूलना नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैं, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आए।